Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सर मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है, भाजपा का भी आज हुआ है, कल हुआ था कांग्रेस का भी, उनकी भी बात चल रही, तो किस तरीके से देखते हैं? एक झूठ का प्रपंच है, एक ऐसा पुलिंदा है जो हर चुनाव के समय बीजेपी फेंकती है और किसी भी राज्य के अंदर लागू नहीं करते। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फ्री बिजली की गारंटी दी है, हम दिल्ली में दे रहे हैं, हम पंजाब में दे रहे हैं। हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात की, गारंटी दी, हम दिल्ली में दे रहे हैं, हम पंजाब में दे रहे हैं। हमने हर महिला को 1000 रुपये महीने की देने की बात की, हमने दिल्ली में कानून बनाया, हमने पंजाब में कानून बनाया। हम हर बच्चे को रोजगार की बात कर रहे हैं, दिल्ली में दिया हमने, पंजाब में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का प्रपंच है। इन्होंने सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा के अंदर बेचा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में की है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में किया है, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा के अंदर किया है। हरियाणा को इन्होंने तबाह कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन भी पास कर दिया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये वही है जैसे हर आदमी की जेब में 15 लाख रुपए आने थे बैंक खाते में, ये वही है जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, ये वही है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले प्रपंच रचा गया, स्पेशल हाउस बुला गया, महिला आरक्षण बिल, 50% महिलाओं को आरक्षण, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये 3 राज्यों का चुनाव तो एक समय में करा नहीं सकते, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। ये पूरे देश के चुनाव की बात करता है। क्या लोकसभा भंग करेंगे? क्या सारी विधानसभा जिनमें चुनाव हो चुके भंग करेंगे? क्या ये जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत के भंग करेंगे? पूरे देश का चुनाव एक समय करा के और फिर जो बीजेपी गलत तरीके से सरकार गिरती है उस पर राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे? सर कल केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या कार्यक्रम? हरियाणा का शेर, हरियाणा का लाल हरियाणा में आ रहा है और शंखनाद करेगा हरियाणा को बदलने का। ये शंखनाद जगाधरी विधानसभा से होगा, कल दोपहर 2 बजे जगाधरी पहुँच रहे। जगाधरी एक कोना है, इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से लेके उस कोने तक, चारों कोनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। कितना इंपैक्ट पड़ेगा आम आदमी पार्टी के ऐसे केजरीवाल जी जाने से? 4 गुना उत्साह अरविंद केजरीवाल जी के आने से हरियाणा के अंदर बढ़ गया है। मुद्दे क्या हैं सर, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भय मुक्त हरियाणा, बारोजगार हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, हरियाणा शिक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, आगे बढ़ता हुआ हरियाणा, मुस्कुराता हुआ हरियाणा, महिलाओं के बराबरी से बराबरी कदम मिलाता हुआ हरियाणा, खुशहाल किसानों का हरियाणा। एक नैरेटिव बन गया है कि भाजपा का और कांग्रेस का मुकाबला चल रहा है और नरेंद्र जो नेता है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? ये नैरेटिव इन्होंने दिल्ली के अंदर भी बनाया था। एक पार्टी के 0 MLA आए थे और एक के 3 आए थे, 3-व्हीलर पार्टी बन गई थी बीजेपी। ये नैरेटिव इन्होंने पंजाब में भी बनाया था, 2 MLA रह गए थे बीजेपी के, साइकिल पार्टी बन गई थी, यहाँ इनका साइकिल भी छीनेंगे हम। सर आखिरी सवाल है, आप भी चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी? मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, मैंने कहा था मुझे 1 सीट पर जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं 1 पर निभाऊंगा, मुझे 90 पर दी जाएगी तो मैं 90 पर निभाऊंगा। पार्टी ने मुझे 90 सीटों की जिम्मेदारी दी, मैं हर जगह जाऊँगा।